फिल्म बरसात साल 2005 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़ी कमाई कर चुकी है। इस फिल्म में एक्टर बॉबी देओल और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी देखने को मिली थी। इस फिल्म का बरसात के दिन आए गाना फैंस का सबसे पसंदीदा गाना रहा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस गाने को ओरिजिनल में प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया था, लेकिन अक्षय कुमार ने किसी कारणवश इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद डायरेक्टर सुनील दर्शन ने इस फिल्म में बॉबी देओल को कास्ट किया था और इस गाने को वापस बॉबी देओल और प्रियंका चोपड़ा के साथ सेम लोकेशन पर शूट किया था। बस स्टार के आउटफिट्स चेंज थे, बाकी सब सेम रखा गया था। वहीं अब 17 साल के बाद ओरिजिनल वो पहली बरसात गाने को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की लव केमिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है। इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने गाया है। समीर ने इस गाने के लिरिक्स को लिखा है और नदीम श्रवण ने इसे म्यूजिक दिया है। ये गाना श्री कृष्ण इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। ये गाना फैंस को भी खूब पसंद आ रहा है। बता दें कि हाल ही में डायरेक्टर सुनील दर्शन ने इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा को चुना गया था, लेकिन अक्षय कुमार ने कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते इस फिल्म को छोड़ दिया था, जिसके बाद इस फिल्म में बॉबी देओल को सिलेक्ट किया गया था। वेल, आप हमारे इस वीडियो के जरिए इस फिल्म का ये ओरिजिनल सॉन्ग देख सकते हैं, जहां इस गाने में यानी कि गाने वो पहली बरसात में प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के बीच काफ़ी सेंसुअस और लव मेकिंग सीन्स दिखाए गए हैं। वेल, दोनों के बीच की जो लव केमिस्ट्री है वो भी इस वक्त लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। हालांकि उस वक्त की बड़ी खबर ये थी कि अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के रिश्ते की अफवाह सब जगह थी और ये बात अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को प्रियंका के साथ काम करने से मना कर दिया था। वेल, आप अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की इस वीडियो को देखिए और आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर क्यों इस फिल्म में अक्षय कुमार ने काम क्यों नहीं किया। दरअसल प्रियंका और अक्षय कुमार की बढ़ती नजदीकियों से ट्विंकल खन्ना काफी ज्यादा परेशान थी। इतना ही नहीं, इस गाने में दोनों एक्ट्रेस भीगे हुए काफी रोमांटिक अंदाज में भी नजर आए हैं। वेल, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि फिल्म का ये गाना आपको कैसा लगा।